हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अबूज किचन। आज का रेसिपी विंटर स्पेशल टेस्टी हरे मटर की पकौड़ा। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे मटर और अनियन ऐड कर दिया। अभी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देती हूँ, साथ में रेड चिली पाउडर, एक चुटकी हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा ऐड करके पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। बाइंडिंग के लिए पकौड़ा बनाऊंगी, इसके लिए बेसन ऐड करती जाऊंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। बहुत ही सूखा लग रहा है तो पानी ऐड करते जाऊंगी और एक स्मूथ बैटर तैयार कर लूंगी। आप लोग के पास हरा धनिया रहेगा तो ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से बैटर तैयार हो गया, चलते हैं फ्राइंग के लिए। गरम होने के लिए रख दिया, ऑयल गरम हो गया। अब जो हरे मटर का पाखुड़ा ऐसे हाथों से ऐड कर देती हूँ, फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। एक साइड अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद फ्लिप करूंगी। एक साइड अच्छी तरह से फ्राई हो गया और फ्लिप कर लेती हूँ, कलर चेंज होने तक चारों साइड फ्राई कर लूंगी। बहुत ही इजी से और बहुत ही स्वादिष्ट ग्रीन पीस का पाकोड़ा बन के रेडी होता है। विंटर सीजन में बहुत ही फ्रेश हरे मटर मार्केट में मिल रहा है तो मैं सोचा क्यों ना आज पकौड़ा बनाऊं। अच्छी तरह से फ्राई हो गया और टिश्यू पेपर में निकाल के रखती हूँ। सेम प्रोसेस में सारे फ्राई करके रेडी कर लेती हूँ। विंटर स्पेशल टेस्टी हरे मटर की पकौड़ा बन के रेडी हो गया। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और आप लोग का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।